अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश सलीम और मैं आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट एप्लीकेशन सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने कोर्स आउटलाइन को। कोर्स आउटलाइन में आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम पूरे के पूरे जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट का हमारा कोर्स होगा उसके अंदर हम क्या कुछ देखेंगे, क्या कुछ कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आती है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम आपको कुछ ओवरव्यू देंगे एंड्रॉयड का कि एंड्रॉयड क्या चीज़ है, एंड्रॉयड का इस वक्त मार्केट में कितने शेयर्स हैं। उसके बाद हम उसमें कुछ बात कर लेंगे कि एंड्रॉयड का जो टूल है IDE वो कौन सा है, और लाइक जो एंड्रॉयड स्टूडियो ही है, और एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन को हम देख लेंगे कि उसकी इंस्टॉलेशन आप कैसे कर सकते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, और एंड्रॉयड स्टूडियो का जो यूज़र इंटरफेस है हम उसको थोड़ा सा देख लेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो का जो जितने भी कंट्रोल्स हैं वो कैसे आप लेके चलेंगे। उसके बाद हम एक छोटी सी एप्लीकेशन डेवलप कर लेंगे जिसको हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कहते हैं। तो जो भी आप नई लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आप उसको इसी तरह से लेके चलते हैं कि आप एक छोटी सी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बना लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लेआउट्स एंड लाइफ साइकिल्स को। तो जो किसी भी OS के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसका लेआउट होता है, उसका UI। तो हम UI कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, और एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, व्यू ग्रुप्स क्या होते हैं, डिफरेंट लेआउट्स कौन से होते हैं, और हम कैसे एक अच्छे से अच्छा लेआउट बना सकते हैं, ये हम कवर करेंगे लेआउट्स और लाइफ साइकिल्स के अंदर। इसके बाद जो लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर हम कुछ बात कर लेंगे इंटेंट्स और डायनामिक व्यूज़ की। इंटेंट से थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोस का देता चलूँ कि हम देखेंगे कि हम उसमें किस तरह से डाटा पार्सिंग करते हैं, यानी कि डाटा किस तरह से हमारा आगे पीछे मूव होता है, और उसको हम डिस्प्ले कैसे करेंगे किसी भी कंट्रोलर के ऊपर, किसी व्यू के ऊपर। अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो स्टोरेज के ऊपर होगा। तो स्टोरेज जैसे कि नाम से जाहिर है कि कुछ इसमें DB होगी, कुछ इसकी शेयर्ड प्रेफरेंसेस होंगी एंड्रॉयड की। तो हम कैसे उसमें डाटा को मैनेज करते हैं, इंसर्ट डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो ये सब कुछ हम कवर करेंगे अपने स्टोरेज के लेक्चर के अंदर। इसके बाद हमारे पास जो होगा वो थ्रेड्स एंड सर्विसेज होंगी। तो मेनली जो एंड्रॉयड की जितनी एप्लीकेशंस हैं वो कंज्यूम करती हैं वेब सर्विसेज को। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम वेब सर्विसेज को अपने पास कंज्यूम करेंगे, और इन वेब सर्विसेज को चलाने के लिए हम कैसे थ्रेट की हैंडलिंग करेंगे, और सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होती है, और कौन सी ऐसी APIs मार्केट में अवेलेबल हैं जिसको हम यूज़ करते हुए वेब सर्विसेज को इजीली रन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ब्रॉडकास्ट और नोटिफिकेशंस। तो ये भी एक मेन पार्ट है, कंपोनेंट है एंड्रॉयड का। इसको भी हम देखेंगे कि ब्रॉडकास्ट हम किस तरह से बनाते हैं, ब्रॉडकास्ट सेंड किस तरह से करते हैं, नोटिफिकेशंस किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, और नोटिफिकेशन को पुश किस तरह से किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ एडवांस टॉपिक्स की, जिसमें मेनली हम फायरबेस को कवर करेंगे। फायरबेस की हम ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, और डेटाबेसेस कैसे मेंटेन करते हैं, और फायरबेस पे हम स्टोरेज किस तरह से मेंटेन करते हैं, और कुछ मशीन लर्निंग के बारे में भी हम बातचीत कर लेंगे। लास्टली हम देख लेंगे कि आप किस तरह से अपने कैरियर को लेके चलेंगे फ्रीलांसिंग के ऊपर, आप किस तरह से एड मॉब्स बना सकते हैं, आप किस तरह से अपनी एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो ये हम अपने लास्ट लेक्चर में देख लेंगे जब हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की स्किल अच्छे से डेवलप हो चुकी होंगी। चलें अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर के मुताबिक कि इस लेक्चर में हम क्या कुछ कवर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू का लेक्चर है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि एंड्रॉयड है क्या चीज़, और हमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन ही डेवलप क्यों करनी चाहिए, इसकी डेवलपमेंट हमें क्यों सीखनी चाहिए, इसको हम देख लेंगे ताकि हमें पता हो कि जो हम काम करने जा रहे हैं इसका कोई मकसद है, इससे हमें क्या हासिल होगा। और इसके बाद हम बात कर लेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के प्री रिक्विजिट्स की, मतलब कि हमें एंड्रॉयड स्टार्ट करने से पहले क्या कुछ चाहिए होगा, तो ये हम प्री रिक्विजिट्स में इसको कवर करेंगे। फिर हम अपने जो एंड्रॉयड का टूल है IDE एंड्रॉयड स्टूडियो, हम उसका ओवरव्यू ले लेंगे, आप कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो को चला सकते हैं अच्छे तरीके से, और एंड्रॉयड स्टूडियो पे आप क्या कुछ कर सकते हैं, ये सब का सब जो है हम
एंड्रॉयड स्टूडियो के ओवरव्यू में देख लेंगे। एंड्रॉयड का जो एक छोटी सी एप्लीकेशन हम डेवलप कर लेंगे हेलो वर्ल्ड के नाम से। जब भी कोई लैंग्वेज आप स्टार्ट करते हैं तो आपको एक स्मॉल प्रोग्राम बना लेना चाहिए, तो हम उसमें ही एक एप्लीकेशन छोटी सी बना लेंगे हेलो वर्ल्ड की। तो ये हमारा इस लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि एंड्रॉयड है क्या चीज़। एंड्रॉयड भी बाकी ओएस की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, और जिस तरह कि आप देख सकते हैं मार्केट में काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं। ब्लैकबेरी का है, विंडोज़ के ओएस हैं मोबाइल के, और आईओएस एप्पल के जो सबसे मशहूर है उसका ओएस अवेलेबल है। उसी तरह जो है एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप किया है गूगल ने। अब गूगल का एंड्रॉयड को लॉन्च करने का जो मकसद था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दुनिया में मोबाइल फोन्स ने एक नई जिद्दत लेके आया, तो इस जिद्दत की वजह से जो एक ज़रूरत पैदा हुई स्मार्टफोन डिवाइसेस की, तो इसकी रेस में डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो शामिल हो गए, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट एंड्रॉयड था और फिर हमारे पास एप्पल आ जाता है। तो गूगल ने भी एक एंड्रॉयड ओएस लॉन्च कर दिया, जो कि बेसिकली इनकी जितने भी मोबाइल डिवाइसेस हैं और एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, स्मार्ट वॉचेस के लिए भी ये ओएस अवेलेबल है। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल्स में जितने भी हार्डवेयर यूज़ हो रहे हैं उसके लिए भी जो ओएस इस्तेमाल होता है वो एंड्रॉयड ओएस ही है। एंड्रॉयड ओएस को सपोर्ट करने वाली जो डिवाइसेस हैं वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं, जिसमें से टॉप ऑफ द लिस्ट सैमसंग है, सोनी है, हवावे है, और भी बहुत बेतहाशा ब्रांड्स इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं जो एंड्रॉयड के ओएस को सपोर्ट करने वाली डिवाइसेस बना रहे हैं, जिसकी जो एंड्रॉयड की पॉपुलैरिटी की मेन रीज़न है कि इतनी ज़्यादा डिवाइसेस अवेलेबल है मार्केट में, तो यूज़र जो है वो उसके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि वो कोई भी स्मार्टफोन ले सके। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आप लोगों को एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्यों सीखनी चाहिए, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि 5 पॉइंट्स में इनको कवर अप करूँ, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्यों सीखनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ओपन सोर्स कोड। जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि एंड्रॉयड जो है वो ओपन सोर्स कम्युनिटी इसको काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करती है, जिसकी वजह से डे बाय डे एंड्रॉयड जो है वो काफ़ी एडवांस होता चला जा रहा है और उसकी जो वर्जन्स हैं वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आती जा रही हैं। इसके अलावा बहुत से मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिस तरह के सैमसंग, एचटीसी, एसोस और सोनी, इसके अलावा बेतहाशा मैन्युफैक्चरर्स हैं जो स्मार्टफोन्स डेवलप कर रहे हैं एंड्रॉयड ओएस को सपोर्ट करने के लिए। तो ये भी एक मेन रीज़न है जो एंड्रॉयड आपको डेवलपमेंट सीखने के लिए देखनी चाहिए। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन स्टोर यूज़ किया जा रहा है एप्लीकेशंस के लिए वो है गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पॉपुलर होने की जो मेन रीज़न है वो ये है कि 60 से 80% जो इस पे एप्लीकेशंस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। जबकि अगर आप दूसरे ही साइट पे आईओएस को देखें तो उसमें बहुत सी एप्लीकेशन पेड हैं, और जो मेन रीज़न है कि एंड्रॉयड के जो यूज़र्स हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र्स वो काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से हैं कि एंड्रॉयड की मोस्टली एप्लीकेशन जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। इतनी बड़ी मार्केट होने की वजह से प्ले स्टोर जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टोर है। जब एक स्टोर इतना हिट होगा तो उसके बाद जब उसकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट की इतनी डिमांड आएगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि जब अब एक प्ले स्टोर जो है वो इतना पॉपुलर है, उसकी वजह से जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और इस डिमांड की वजह से एंड्रॉयड की अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। गूगल प्ले स्टोर की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी की वजह से जो इस वक्त एंड्रॉयड की जॉब्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट के अंदर, तो जो कि मेन रीज़न है कि आप लोगों को एंड्रॉयड डेवलपमेंट की तरफ आना चाहिए। और जो एक
खला है मार्केट के अंदर उसको फिल करना चाहिए। फ्रीलांसिंग पे भी इसके प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, लोकल मार्केट में जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख के एक अच्छे आइडिया के साथ एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी लॉन्च कर सकते हैं अपनी प्ले स्टोर पर, उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। चौथा जो ऑप्शन है वो है रेवेन्यू का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन और इतने ज़्यादा यूज़र्स के बाद जो आपका रेवेन्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इतने ज़्यादा रेवेन्यू के साथ आपको बहुत आसानी होगी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर कि आप इजीली कहीं पे भी अपने आप को फिट इन कर सकते हैं और अच्छे से अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। आप नीचे ग्राफ में देख सकते हैं कि एंड्रॉयड के जो इस वक्त यूज़र्स हैं वो 76% हैं और आईओएस के 22% और अदर डिवाइसेस के जो हैं वो 2% हैं। अदर डिवाइसेस में हमारे पास ब्लैकबेरी, विंडोज़ और सेम्बियंस इस टाइप के सेट्स आते हैं, तो उस ओएस की जो है 2% डिमांड है और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ओएस यूज़ हो रहा है वो एंड्रॉयड ही है, और जो कि 76% है, जो कि मेन रीज़न है कि इतनी ज़्यादा जब यूज़र्स किसी प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो आपको उस प्लेटफॉर्म की तरफ आना चाहिए। अब हम कुछ बात कर लेते हैं इसके प्री रिक्विजिट्स के मुतालिक कि एंड्रॉयड के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। मतलब कि एंड्रॉयड अगर आपने स्टार्ट करनी है तो उससे पहले आपको क्या कुछ पता होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ जो इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है जावा। तो जावा के ऊपर आपकी एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट इजीली करना चाहते हैं और उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं। जावा के कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, जिसमें लूप्स हो गए, लिस्ट हो गई, और वेरिएबल्स किस तरह से आप मैनेज करते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, यानी कि आपको एक जावा की कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए तभी आप एक अच्छे एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। अगर आपको जावा नहीं आती तो जावा एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसके ट्यूटोरियल्स आपको बेतहाशा मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो आप आज से ही जावा को सीखना स्टार्ट कर दें अगर आपको नहीं आती, और एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको जावा का आना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो चीज़ आती है वो है सीक्वल। ये बेसिकली एक क्यूरी लैंग्वेज है कि आपने लोकल डीबीज के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, आपने कैसे लोकल डीबी से डाटा फेच करना है, उसमें इंसर्ट करना है और डिलीट करना है, ये सब का सब जो है ये सीक्वल का पार्ट है। तो बेसिक नॉलेज आपको सीक्वल की भी होनी चाहिए ताकि अगर आपको कभी डाटा स्टोर या रिट्रीव करना पड़े तो आपको पता हो कि आपने कौन सी क्वेरी करनी है। तीसरे नंबर पे आ जाती हैं एक्सएमएल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर की जो मेन पॉपुलैरिटी है वो डिपेंड करती है उसके डिज़ाइन के ऊपर, तो जो एंड्रॉयड का डिज़ाइन है वो टोटली बेस करता है एक्सएमएल के ऊपर। तो अगर आपकी एक्सएमएल पे ग्रिप अच्छी होगी तो आप एक अच्छे डिज़ाइन्स बना सकते हैं। अच्छे डिज़ाइन्स का मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन बन सकती है। इसके साथ साथ जितना भी हम डाटा पार्सिंग करते हैं एंड्रॉयड के अंदर वो भी एक्सएमएल होती है, तो एक्सएमएल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास, आपको इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, अब हम कुछ बात कर लेते हैं एंड्रॉयड के जो आईडीई है, जो इसका टूल है जिसमें हम डेवलपमेंट करेंगे उसके मुताबिक। तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो एक ही इसका टूल है और ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा आईओएस, एप्पल का जो ओएस है वो डिपेंडेंट है प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि अगर आपने आईओएस की डेवलपमेंट करनी है तो आपके पास मैक मशीन होना मस्ट है। आपके पास अगर मैक मशीन नहीं है तो आप आईओएस की डेवलपमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एंड्रॉयड में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी ओएस के ऊपर आप रन कर सकते हैं। आप बेशक मैक ओएस पे काम कर रहे हो, लिनक्स पे काम कर रहे हो या विंडोज़ पे काम कर रहे हो, तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो किसी भी ओएस के ऊपर रन कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो को रन करने के लिए मिनिमम आपके पास 8 GB रैम होनी चाहिए अगर आप ने इसको स्मूथली चलाना है, और
जावा JDK का होना मस्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड बेस करता है जावा के ऊपर, तो जावा की डेवलपमेंट के लिए इसका JDK होना मस्ट है, जावा डेवलपमेंट किट, तभी आप इस पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो को सेटअप करने के लिए सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको JDK का होना मस्ट है, तो इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको JDK। ये सब चीज़ें जो हैं, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम अभी आपको फ्यूचर में बताएंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें से कोई भी चीज़ हम मिस नहीं करने वाले। सबसे पहले आप इंस्टॉल करेंगे JDK, उसके बाद आप कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर में, और कैसे हम एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं, कहाँ से आप SDK इसके डाउनलोड कर सकते हैं, और कंपोनेंट्स कैसे इसके पूरे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आती है वर्चुअल डिवाइसेस। अगर आप लोग नहीं चाहते कि आप अपना फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करें, आप चाह रहे हैं कि आप सिस्टम के अंदर ही वर्चुअल डिवाइस यूज़ करें, तो आपको वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएट करनी पड़ेंगी। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएट करते हैं। वर्चुअल डिवाइसेस अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 8 GB से आपकी जो रैम है वो ज़्यादा हो, मिनिमम 12 GB तक होनी चाहिए, तब आपकी वर्चुअल डिवाइसेस जो हैं वो इजीली रन हो सकेंगी। तो वर्चुअल डिवाइसेस काम करती हैं बेसिकली, जैसे कि आपका फ़ोन है उसी तरह से एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो जाती है जो OS के अंदर ही होगी, और एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ ही आप उसको चला सकते हैं। उसकी इंस्टॉलेशन भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको इंस्टॉल कर सकते हैं और सब कुछ। अच्छा, चलिए अब हम देखते हैं कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे अपने PC पे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था कि हम बेसिकली जो एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो जावा बेस्ड होगी, तो जब भी आप किसी भी PC के ऊपर जावा कोडिंग या प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए कुछ JDKs रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपको वो JDK अपने PC पे करना मस्ट है। तो हम देखते हैं कि हम JDK किस तरह से इंस्टॉल करेंगे अपने PC के ऊपर। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाके आप लिखेंगे डाउनलोड JDK। तो जैसे ही आपके पास कोई लिंक आता है, आप उसको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लें। तो ओरेकल की साइट पे आपको ये ले गया, और ओरेकल की साइट के ऊपर आपने JDK डाउनलोड पे क्लिक कर देना। अब आपको ये इम्पोर्टेंट ऑफ ओरेकल JDK लाइसेंस अपडेट्स की कुछ बुलेट पॉइंट्स बता रहे हैं, लेकिन आपने इनको छोड़ते हुए नीचे देखना है। तो नीचे आप देख सकते हैं, जैसा कि आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा, यानी कि जो भी OS आपके पास अवेलेबल हो जिस पे आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहें, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी भी OS के ऊपर चल सकता है, ख्वा वो लिनक्स हो, मैक OS हो, या विंडोज़ हो। तो क्योंकि मेरे पास जो है वो राइट नाउ विंडोज़ OS इंस्टॉल्ड है, तो हम विंडोज़ के लिए एक अपनी JDK की फाइल डाउनलोड कर लेंगे। तो विंडोज़ की जो 64-bit JDK फाइल है, हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये कुछ आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आप उसको अपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लें, और JDK की जो फाइल है इसको डाउनलोड कर लें। अभी आपसे बात पूछ रहे हैं, तो आप किसी भी जगह पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड हो, और सेव पे क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो डाउनलोडिंग है JDK की वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इसकी डाउनलोडिंग के बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे, तो चलें हम वेट करते हैं जब तक ये डाउनलोड होता है। अब आपका जो JDK है वो डाउनलोड हो चुका है, तो अब हम इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे।
ये जो इसका सेटअप फाइल है इसको आप डबल क्लिक करें। अब आप इसके इंस्टॉलेशन विजिट को फॉलो करें और जिस तरह ये बोल रहा है कि अभी नेक्स्ट आप करें तो आप उसको नेक्स्ट कर देंगे। और ये आपसे आपकी लोकेशन पूछ रहा है कि किस जगह पे आप इसे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है हम उसी जगह पे इसे इंस्टॉल कर देंगे। अब इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो हो रही है। अभी हमारा जो JDK है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, तो अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब JDK इंस्टॉलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं वो होता है जावा होम की सेटिंग करना। अब जावा होम क्या चीज़ है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेसिकली आपके पास इसके कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं तो उसकी डायरेक्टरी आपको बतानी, लाइक कि आपका JDK जो है वो किस जगह इंस्टॉल्ड है, तो उसको सेट करने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपली जाएंगे अपने माई कंप्यूटर में, इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप चले जाएंगे एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का एक टैब होगा, इस बटन को क्लिक कर दें। अब एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर आपने जो है सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर एक नया जावा होम के नाम से वेरिएबल सेट करना है, तो उसको सेट करने के लिए आप न्यू पे टैप करेंगे। अब न्यू पे टैप करने से आपसे ये वेरिएबल का नाम पूछा है, तो वेरिएबल का नाम जो हम सेट करेंगे वो रखेंगे हम जावा अंडरस्कोर होम। अब इसकी जो वैल्यू है उसमें आपने बेसिकली आपके जो JDK है जहाँ पे इंस्टॉल हुआ था उसका पाथ देना है, तो उसका पाथ हम ले लेंगे। मोस्ट प्रॉबरली वो आप जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, ये JDK आपका इंस्टॉल्ड है, इसका जो पाथ है यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेंगे और ये वाला जो पाथ है आप जाके आपकी जो वेरिएबल वैल्यू थी उसके अंदर पेस्ट कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका एक वेरिएबल जो है वो सेट हो चुका है जावा होम के नाम से। तो ये आपने स्टेप करना है, आपका जावा होम जो है वो एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर सेट होना चाहिए। अब आप इसको ओके कर देंगे और यहाँ से इसको ओके करके आप इसको बंद कर देंगे। अब हमारा जो JDK है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और हमने जावा होम का भी जो वेरिएबल है एनवायरनमेंट वेरिएबल उसको भी सक्सेसफुली सेट कर दी है अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो है एंड्रॉयड स्टूडियो का जो टूल है उसकी डाउनलोडिंग। तो अब हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पे डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो कर लेंगे सर्च, और जो पहला लिंक है या दूसरा लिंक है उसको आप क्लिक कर देंगे। अब ये जो आपके पास होम पेज ओपन हुआ है ये जावा एंड्रॉयड डेवलपर्स का होम पेज है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और इसको अगर आप देखना चाहें तो नीचे एंड्रॉयड स्टूडियो की जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं उसकी वो आपको एक ओवरव्यू दे रहा है कि इस रिलीज़ के अंदर इन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। और हम जस्ट इस पे जाएंगे, हम अपने जो एंड्रॉयड स्टूडियो है उसको डाउनलोड कर लेंगे। अब ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हमसे एक्सेप्ट करवा रहा है, तो हम इसको एक्सेप्ट करके एंड्रॉयड स्टूडियो को विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेंगे। अब आपके लिए अब आपसे वो पूछ रहा है कि आप किस जगह पे इस सेटअप को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो हम किसी भी जगह पे इसको सेव कर देंगे। अब आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप है वो
डाउनलोड होना शुरू हो गया। अच्छा, आपका एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। अब हम उसको इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं कि हम उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो ये आपका सेटअप डाउनलोड हो चुका है, अब इसको डबल क्लिक कर लेंगे। ये इसका इंस्टॉलर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये इसका इंस्टॉलर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें हम नेक्स्ट कर देंगे। ये हमसे पूछ रहा है कि आपने वर्चुअल डिवाइस इसकी ऐड करनी है कि नहीं करनी है। तो हम उसकी, अगर आप चाहते हैं कि आप लैपटॉप के ऊपर या सिस्टम के ऊपर इसकी जो एंड्रॉयड की वर्चुअल डिवाइस है वो यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसको टिक कर देंगे। अगर आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन अलग से यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसको अनचेक कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जो है इसको चेक कर देंगे ताकि हम वर्चुअल डिवाइस यूज़ कर सकें। ये आपको रिक्वायर्ड स्पेस के बारे में बता रहा है कि आपको कितनी स्पेस रिक्वायर्ड होगी ये पूरा का पूरा जो सेटअप है इसको इंस्टॉल करने के लिए। हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आप इसकी इंस्टॉलेशन की लोकेशन क्या रखना चाह रहे हैं। तो आप इसको ब्राउज करके कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, लाइक जो भी आपकी ड्राइव में स्पेस खाली हो आप वहाँ पे सेटअप को बआसानी डाल सकते हैं। तो हम इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन फ़िलहाल रहने देंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब हमसे ये पूछ रहे हैं बेसिकली कि आप इसका स्टार्ट मेन्यू के अंदर शॉर्टकट रखना चाह रहे हैं। अगर रखना चाह रहे हैं तो आप इसको अनचेक नहीं करेंगे, इसको चेक नहीं करेंगे सॉरी। तो अगर आप नहीं रखना चाह रहे तो उसको आप टिक कर देंगे, तो आपका जो शॉर्टकट है एंड्रॉयड स्टूडियो का वो स्टार्ट मेन्यू पे ऐड नहीं होगा। तो हम इसको अनचेक ही रहने देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो का शॉर्टकट है वो ऐड हो जाए। तो हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। अब इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल हो रहा है। इसकी इंस्टॉलेशन तक वेट करते हैं। यहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट कर देंगे। और ये अब आपसे पूछ रहा है कि आप इसको फिनिश के ऊपर एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाहेंगे। तो हम इसको टिक रहने देंगे और हम इसको फिनिश कर देंगे। अब आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमने इसके स्टार्ट में चेक कर दिया था कि आप इसको फिनिश के ऊपर एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट कर दें। अब ये कुछ फाइल्स जो हैं वो SDK की वो डाउनलोड कर रहे हैं। बेसिकली एंड्रॉयड SDK की कुछ बेसिक फाइल्स होंगी ये डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड होने तक हम थोड़ा वेट करते हैं। ये एंड्रॉयड स्टूडियो की वेलकम स्क्रीन है, इस पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वो दे रहे हैं कि एंड्रॉयड पे आप क्या, इस स्टूडियो पे आप किस किस चीज़ की डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस, स्मार्टफोन, क्रोम OS, ऑटोमोबाइल्स, इसी तरह की जो
IoT से इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसकी डेवलपमेंट आप स्कूल के ऊपर कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट कर देंगे। अब आपसे जो ये पूछ रहा है वो बेसिकली कि आपने स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन करनी है या कस्टम इंस्टॉलेशन करनी है। आप कुछ चेंजेस चाहते हैं तो आप कस्टम पे क्लिक करेंगे, नहीं तो जो स्टैंडर्ड चल रहा है इस वक्त उसके मुताबिक इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा, हम नेक्स्ट कर देंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो बेसिकली दो तरह की थीम सपोर्ट करता है, एक डार्क थीम और एक लाइट थीम, तो आप इन दोनों में से किसी एक की सिलेक्शन कर सकते हैं। हम लाइट थीम पे काम करेंगे तो हम इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप एंड्रॉयड की जो वर्चुअल डिवाइस है उसको भी साथ डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि जो भी इसकी बेसिक फाइल्स हैं वो उसकी डाउनलोडिंग करेगा इसके बाद, और SDK की कुछ फाइल्स हैं बेसिक उनको भी डाउनलोड करेगा। हम इसको टिक कर लेते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे जो आपने सेटिंग सेट की है उस कंफर्मेशन के बाद ही फिनिश की डिमांड कर रहा, तो हम इसको फिनिश कर देंगे। और SDK की डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको फिनिश कर देंगे। अब जो स्क्रीन आपके सामने ओपन हुई है ये बेसिकली आपके एंड्रॉयड स्टूडियो की वेलकम स्क्रीन है, और इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आपने कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो पे बनाया है उसको आप इसमें इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, या आप कोई वर्जन कंट्रोल जिस तरह की किट होता है, SVN होता है, वहाँ से कोई प्रोजेक्ट आप इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं, आप कोई APK फाइल है आपके पास जो आप डिबग करना चाह रहे हैं, इसी तरह आप कोई ओल्ड टूल से अपना कोई प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं, या आप कहीं से भी एंड्रॉयड सैम्पल कोड इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम बेसिकली एक नई एप्लीकेशन बनाएंगे क्योंकि हमने अभी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाना है, तो हम उसके लिए स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसका नाम हम रख देते हैं हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन। ये आपका जो पाथ है वो सेट हो गया और आप इसको नाम आपने सेट कर दिया, अब आप नेक्स्ट कर देंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि आप किस चीज़ के लिए ये एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, तो हम बेसिकली फ़ोन या टैबलेट के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हम इसी पे टिक लेने देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप से ये पूछ रहा है कि आपकी जो एक्टिविटी है आप उसमें कोई एक्टिविटी ऐड करना चाह रहे हैं, वो बेसिक एक्टिविटी हो यानी कि उस पर एक प्लस बटन हो और बैक बटन, इसी तरह मेन्यू बटन हो, या आप चाह रहे हैं कोई नीचे टैब्स हो इस तरह की कोई चीज़, या एम्प्टी एक्टिविटी आप चाह रहे हैं, या कुछ फ्रेगमेंट व्यू चाह रहे हैं, ये डिफरेंट तरह के ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं कि ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें वो ऐड कर देगा। फिलहाल हमारा कोई इनमें से कोई ऐसा चीज़ यूज़ नहीं है, तो हम एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके और नेक्स्ट कर देंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो मेन एक्टिविटी है यानी कि सबसे पहले जो लॉन्चर आपकी स्क्रीन होगी उसका नाम क्या हो, तो हम उसको उसका नाम चेंज नहीं करते क्योंकि हम मोस्टली जो लॉन्चर हमारी स्क्रीन होती है उसका नाम मेन एक्टिविटी ही रखते हैं, तो हम उसका नाम सेम रहने देंगे। और ये जनरेट लेआउट फाइल, मतलब कि इस जावा फाइल की ऑटोमेटिकली वो एक लेआउट XML फाइल जनरेट कर देगा जिसका नाम होगा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ये स्मॉल लेटर्स में होती हैं। लेआउट की जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सब के सब जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो स्मॉल होने चाहिए, आप कैपिटल इसमें नहीं रख सकते, ठीक है। बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी मीन्स कि आपका जो लेटेस्ट OS एंड्रॉयड का चल रहा है इससे पिछले कितने OS हैं उसकी कंपेटिबिलिटी आप इसमें डालना चाहते हैं, तो हमने इसको टिक कर दिया और अब हम इसको फिनिश कर देते हैं। अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो लोड हो रहा है और लोडिंग के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। अब ये वो एंड्रॉयड स्टूडियो की
मेन स्क्रीन है। ये बेसिकली हमने न्यू आपका एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया, तो उसमें जो न्यू फीचर्स हैं वो यहाँ पे आपके पास असिस्टेंस में आ रहे हैं। हम इसको बैक कर देते हैं और ये नीचे जो बेसिकली हो रहा है, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशंस की फाइल है ग्रिडल, इसकी सिंकिंग हो रही है नेट से, कुछ इंटरनेट से ये डाउनलोडिंग कर रहा है। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के जो कंट्रोल्स हैं उसके ओवरव्यू की, जो मेन मेन कंट्रोल्स हैं उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। और जब हमारा कोर्स चल रहा होगा, जब हम डेवलपमेंट कर रहे होंगे, तो जो जो फीचर्स इस तरह के होंगे तब भी हम उन फीचर्स को देख सकते हैं। तो जो मेन फीचर्स हैं हम वो यूज़ करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के, वो हम देख लेते हैं अभी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके पास जो लेफ्ट टॉप पे ये पेन बना हुआ रहा है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट व्यू है। इसमें आपका जो टोटल प्रोजेक्ट है वो व्यू हो रहा है। तो हम देख लेते हैं आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो इसको व्यू करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दो पोर्शंस बने हुए, एक आपके पास फोल्डर टाइप का है जिसपे ऐप लिखा हुआ आ रहा है, और एक आपके पास ग्रिडल स्क्रिप्ट टाइप का है जिसपे ग्रिडल स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। एंड्रॉयड की आपको पता, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स की जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे होती हैं प्रोजेक्ट में, ऐप सेक्शन के अंदर। मैनिफेस्ट यहाँ पे होगी, जावा फाइल्स यहाँ पे होंगी, रिसोर्सेज यहाँ पे होंगी। ये जो फोल्डर है जनरेटेड जावा, ये बेसिकली ऑटो जनरेटेड होता है। इसमें हमारा कुछ ऐसी खास फाइल्स नहीं होती, इसमें हमारे सारे के सारे लेआउट्स पड़े होते हैं रिसोर्सेज के अंदर। इसको RES कहते हैं, RES स्टैंड्स फॉर रिसोर्सेज, और जावा स्टैंड्स फॉर जावा, जिसमें जावा की आपकी फाइल्स होंगी। और इसमें दो जो है वो टेस्ट, दो फोल्डर टेस्ट के हैं, ये हम बाद में देखेंगे ये टेस्ट के फोल्डर क्या करते हैं। ये हमारा मेन फोल्डर है जिसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ, ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम एप्लीकेशन है। आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपकी एक जावा फाइल बनी हुई है जो हमने शुरू में मेन एक्टिविटी के नाम से क्रिएट की थी। तो आप इसको डबल क्लिक करें तो ये फाइल आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसी तरह आप जब रिसोर्सेज में जाएंगे तो रिसोर्सेज में शुरू में आपके पास ड्राएबल्स आते हैं। ड्राएबल्स में बेसिकली जितनी भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर इमेजेस यूज हो रही हैं वो ड्राएबल्स के अंदर आती हैं। फिर लेआउट्स आते हैं, लेआउट्स मतलब कि जो आपके पास स्क्रीन्स होती हैं, जिस तरह की हमारी केस में मेन एक्टिविटी है, इसकी एक स्क्रीन है एक्टिविटी मेन, तो वो लेआउट के फाइल फोल्डर के अंदर आएगी। इसी तरह मेन मैप में भी आपके पास छोटे साइज के जो ड्राइबल्स होते हैं वो आते हैं, और वैल्यूज जो होती हैं बेसिकली इसके अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप की वैल्यूज आती हैं। लाइक आपके पास जो स्ट्रिंग्स आप पूरी प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं वो स्ट्रिंग्स के अंदर आएंगी। आप कुछ थीम्स बना रहे हैं छोटी छोटी, तो आपके पास स्टाइल्स के एग्जाम्पल में आएंगी। इसी तरह आप कुछ कलर्स यूज कर रहे हैं, आपके हेक्स कलर्स हैं, तो वो आपके कलर्स के इसमें आएंगे। तो ये तो हो गया आपका प्रोजेक्ट व्यू के मुताबिक। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बिल्ड वेरिएंट्स की तरफ। ये साइट पे आप देख रहे हैं कि बिल्ड वेरिएंट्स का एक टैब आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बिल्ड वेरिएंट्स जितने भी हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। फिलहाल हमारे पास डिबगर रिलीज बिल्ड वेरिएंट्स हैं, ये हम फ्यूचर में देखेंगे कि हम बिल्ड वेरिएंट्स किस तरह से बनाते हैं। ये आपके पास बिल्ड वेरिएंट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। उसी तरह आपके पास कुछ फेवरेटीज आपने सेट की हुई हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम जो बात कर रहे थे वर्चुअल डिवाइसेस के मुताबिक, कि आपकी वर्चुअल डिवाइसेस कैसे बनती हैं और उसको हम कैसे रन करते हैं। आपके पास ये जो ऊपर टॉप पे टूल बार आ रही है, इसके अंदर आप देखेंगे डिफरेंट बटन अवेलेबल हैं। आपके पास ये बटन है, ये बेसिकली आपका जो मॉड्यूल है वो सेटिंग करने के लिए होता है कि आप कौन सा मॉड्यूल सेट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास फिलहाल एक एप्लीकेशन ही मौजूद है तो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। इसके साथ बिल्कुल जो है वो मेक प्रोजेक्ट का बटन मौजूद है, तो आप इससे अपना प्रोजेक्ट को मेक कर सकते हैं। अगर आप अपनी एप्लीकेशन जो आपने अभी तक बनाई है इसको रन करना चाहते हैं, तो आपके पास ये प्ले का निशान है, इसको हम रन ऐप कहते हैं। इसके शॉर्टकट्स जो हैं वो आप साथ साथ याद करते रहिएगा, क्योंकि ये जो शॉर्टकट्स हैं ये आपकी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रन ऐप जो है इसके ऊपर अगर आप लेके जाएँ तो आपको बता रहा है कि शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करने से आपका ये बटन क्लिक हो जाएगा। इसके साथ बिल्कुल इंस्टेंट रन का ऑप्शन आता है। इसमें बेसिकली आपने कुछ जल्दी जल्दी में कुछ चेंजेस किए हैं और अगर आप वो देखना चाह रहे हैं तो इंस्टेंट रन आप प्रेस करेंगे तो वो
पूरी एप्लीकेशन को दोबारा रन नहीं करेगा, सिर्फ वो चेंजेस जो अभी आपने किए हैं उसको मैप कर देगा आपके एमुलेटर के ऊपर या फिर आपकी डिवाइस के ऊपर। ये साथ जो है ये भी रन ही करता है, लेकिन इसके साथ आपका डिबगर अटैच हो जाता है। ये भी हम बाद में देखेंगे कि रन में और डिबग रन में क्या फ़र्क है। इसको अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो शिफ्ट एफ नाइन प्रेस करेंगे। इसी तरह आपके पास ये प्रोफाइल आ जाती है। प्रोफाइल ऐप के अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी ऐप जो है वो कितना यूजेज कर रही है, रैम का कितनी मेमोरी यूज़ कर रही है, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप आपकी एप्लीकेशन चल रही है और आप चाह रहे हैं डिबगर अटैच करना, तो आप यहाँ से अटैच डिबगर को क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन अटैच हो जाएगी। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब ये चीज़ें हम लेटर ऑन अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें हम इतनी ज़्यादा यूज़ करेंगे कि आप बिल्कुल इससे यूज टू हो जाएंगे। अभी आपको थोड़ा सा इसको समझने में मुश्किल होगी। अभी जस्ट आप जो है इन आइकन्स को देख के तो इनकी फंक्शनैलिटी को याद कर लें, बाद में इंशाल्लाह हम इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपरली देखेंगे कि हम इनको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। इसी तरह ये ग्रिडल सिंक के बारे में बता रहा है आपको कि आप ग्रिडल सिंक करना चाह रहे हैं दोबारा से, तो आप इसको ग्रिडल सिंक कर सकते हैं। ये वो बेसिकली ऑप्शन है जिसमें हम एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर है, ये AVD कहते हैं इसको, और इसके थ्रू आप जितनी भी वर्चुअल डिवाइसेस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ जो है वो SDK मैनेजर है। SDK स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, तो जो एंड्रॉयड स्टूडियो की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है उसकी मैनेजमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं AVD मैनेजर को, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप वर्चुअल डिवाइसेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो है वो वर्चुअल डिवाइसेस की स्क्रीन ओपन हो चुकी है। यहाँ से आप सिंपली एक डिवाइस को क्रिएट करेंगे, वर्चुअल डिवाइस को। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपने TV के लिए वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करनी है, फ़ोन, वेयर OS या टैबलेट। तो हम फ़ोन पे जाते हुए कोई भी एक डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि 5X अवेलेबल है हमारे पास पिक्सल, ये बिल्कुल जो ओरिजिनल फ़ोन जिस तरह के लुक देते हैं और जिस तरह का उनका OS बिहेव करता है, ये बिल्कुल वैसी ही एक कह लें कि वर्चुअल डिवाइसेस हैं। तो इस पर आपको सेम ही रिज़ल्ट मिलेगा ऑलमोस्ट। तो कोई भी डिवाइस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप 5X सेलेक्ट कर लें, इसको नेक्स्ट कर लें। अब आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि आपने इस पे कौन सा OS चलाना है। तो डिफरेंट OS की आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। जो जो OS आपके पास डाउनलोडेड होगा उसके सामने डाउनलोड नहीं लिखा हुआ है, जिस तरह से नगेट के सामने मेरे पास डाउनलोड नहीं लिखा हुआ रहा और बाकियों के सामने डाउनलोड। आप जो भी OS डाउनलोड करना चाहते हैं आप उस पर सिंपली क्लिक करेंगे और वो OS आपके PC पे डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरे पास जैसे कि नगेट पहले से डाउनलोडेड है, हमने शुरू में इसको डाउनलोड किया था, तो हम इसको क्लिक करके नेक्स्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं वो मुझसे मेरे जो वर्चुअल डिवाइस है उसका नाम पूछता है, तो हमने इसका नाम रख दिया है नेक्सस 5X। API 24 मीन्स के इस पर नॉकेट इंस्टॉल्ड है, 24 का जो API है उस पर नॉकेट इंस्टॉल्ड होता है। अब हम इसको फिनिश कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि आपकी जो वर्चुअल डिवाइसेस की लिस्ट है उसके अंदर एक डिवाइस ऐड हो चुकी है जिसका नाम है नेक्सस 5X API 24। अब आप इसको कभी भी रन कर सकते हैं। इस पर रन क्लिक करेंगे आप तो आपकी ये जो AVD है, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, ये आपके सामने एक फ़ोन की सूरत में स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो एंड्रॉयड एमुलेटर जो है वो बेसिकली स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं। अब ये एंड्रॉयड जो फ़ोन है बिल्कुल सेम एज इट इज़ 5X जैसा ही है, और इसकी अब जैसे ही आप 5X को क्लिक करते हैं ओरिजिनली, तो जैसे वो फ़ोन स्टार्ट होता है सेम वैसे ही ये वर्चुअल डिवाइस भी स्टार्ट होगी। तो ये भी अब स्टार्ट हो रही है बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका नया फ़ोन आप लाते हैं तो वो स्टार्ट होता है, वैसे ही ये बिल्कुल आपको डेमोज दे रहा है कि आप कैसे कैसे इस फ़ोन को चला सकते हैं, गॉट इट करके इसको ख़त्म करते हैं। और सेम आप देख सकते हैं कि ये वैसा ही फ़ोन है जैसा आप लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो इन डिवाइसेस का ये फ़ायदा होता है कि आपको अलग से डिवाइस कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अलग से डिवाइस पर रन ना करें, आप सारे की सारी एप्लीकेशन इस पर चेक करते रहें,
और जब आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल फिनिश हो जाए तो आप आखिर में एक ओरिजिनल फ़ोन के ऊपर उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो इन वर्चुअल डिवाइसेस का काफ़ी फ़ायदा होता है आपको। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक फ़ोन होता है, इसमें सब की सब एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं लाइक प्ले स्टोर, गूगल मैप्स, फोटोज़, बिल्कुल नेचुरल फ़ोन की तरह एक चीज़ दे रहा है। अब इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं SDK मैनेजर को। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये SDK के अंदर SDK मैनेजर ओपन हो जाएगा। ये बिल्कुल शुरू में इसके पास जो आपके पास जो टैब आ रहा है इसको कहते हैं SDK प्लेटफॉर्म्स। इसके अंदर जितने भी ये शुरू से लेके लाइक 2.1 से लेके अभी AP28 चल रही है, 30 चल रही है सॉरी, तो जितने भी OS हैं वो सबके सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। जोन जोन से आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होंगे वो सामने इंस्टॉल्ड आ रहा होगा, और जिनकी अपडेट्स अवेलेबल होंगी वहाँ अपडेट्स आ रहा होगा, और जो नॉट इंस्टॉल्ड होंगे इसके सामने नॉट इंस्टॉल्ड आ रहा होगा। तो आप किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो आप ओके करेंगे जैसे ही, तो आपके पास वो सब डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सब का सब जो है प्लेटफॉर्म्स का टैब है। नेक्स्ट टैब हम देख लेते हैं। तो ये SDK टूल्स हैं, बेसिकली ये वो टूल्स हैं जो आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए बहुत मददगार हैं और ज़रूरी हैं। तो इसमें से मोस्टली चीज़ें तो इंस्टॉल्ड हैं और कुछ चीज़ों की अपडेट्स अवेलेबल हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। उन अपडेट्स को भी अगर आपने इंस्टॉल करना है तो आप उसको ओके प्रेस करेंगे और आपकी अपडेट्स जो है वो इंस्टॉलेशन उनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब की सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, या आप SDK को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं इजीली। कभी भी आप SDK का पाथ चेंज करना चाहें तो यहाँ से जाके आप SDK को पाथ को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया SDK का और AVD का एक छोटा सा इंट्रो। अब हम देखते हैं कि अब एक छोटी सी जो हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन है वो हम कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास दो फाइल्स बनती हैं जब आप एक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। एक्टिविटी कहते हैं बेसिकली हम कोई भी एक स्क्रीन को। एंड्रॉयड पे जितनी भी स्क्रीन्स आप देखते हैं लाइक फेसबुक पे अगर आप जाएं तो आपके पास एक लॉगिन की स्क्रीन आती है, उसके बाद मेन पेज की स्क्रीन आती है, उसके बाद आप किसी पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल की स्क्रीन आती है। तो ये जितनी भी स्क्रीन्स होती हैं आपके सामने ये सब की सब एक्टिविटीज़ होती हैं, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनकी एक जावा फाइल बनेगी और एक XML फाइल बनेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके पास एक मेन एक्टिविटी ही है आपके प्रोजेक्ट में, तो उसकी एक जावा फाइल ये है मेन एक्टिविटी डॉट जावा, और उसी की जो XML है वो बेसिकली एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML। तो XML की जितनी भी फाइल्स होंगी हमारे पास वो लेआउट के फोल्डर के अंदर, वो सब के साथ हमारे पास क्या होंगे एक्टिविटीज़ के लेआउट्स होंगे। इसके अंदर हम और भी चीज़ें डाल सकते हैं लेआउट्स के अंदर, वो हम आपको लेटर लेटर ऑन बताएंगे कि हम क्या कुछ इसमें डाल सकते हैं। तो मेन एक्टिविटी आपके पास बनी हुई है, आपने मेन एक्टिविटी का जो लेआउट है उस पर जाना है, और ये आपके पास जो है बेसिकली XML का जो लेआउट है वो सामने आ चुका है। तो इसका आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं सामने। तो ये पैलेट्स जो है बेसिकली ये आपके पास सारे के सारे जो भी विजेट्स होते हैं आपके पास लाइक बटन्स, लेबल्स, इमेज व्यूज, आपके पास लिस्ट होती हैं, आपके पास स्क्रोल्स होते हैं, आपके पास ये सब के सब यहाँ पे अवेलेबल है। मोस्ट कॉमनली जो यूज है वो कॉमन के अंदर डाल दिए इन्होंने। टेक्स्ट बेस अगर आपको चाहिए तो ये टेक्स्ट वाले देख लें, आप सारे के सारे यहाँ अवेलेबल हैं। बटन्स अगर आपको चाहिए तो रेडियो बटन, चेक बॉक्स बटन, ये सब के सब यहाँ बटन्स मौजूद हैं। विजेट्स हैं यहाँ आपको, तो डिफरेंट विजेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लेआउट्स मिल जाएंगे, डिफरेंट लेआउट्स हैं। इन लेआउट्स के बारे में भी हम बाद में देखेंगे कि लेआउट्स क्या क्या होते हैं और किस किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी आप देखते जाए इस तरह आप इनको एक एक करके एक्सप्लोर कर लेंगे ये क्या कुछ करते हैं। तो फिलहाल हमारा जो एम है वो हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने कुछ भी अभी तक नहीं किया, सिंपली हमने एक मेन एक्टिविटी खाली रखी थी और उसमें हमारे पास लेआउट में भी कुछ नहीं था। तो अभी लेआउट में एक चीज़ ऐड हो चुकी है, वो है हेलो वर्ल्ड का एक टेक्स्ट व्यू बिल्कुल सेंटर में आपके पास नज़र आ रहा है, और इस टेक्स्ट व्यू का आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट सेट हुआ हुआ है, यानी कि पूरी की पूरी हमारी एप्लीकेशन फिलहाल रनिंग मोड पे, हमने जस्ट इसको रन करना है। तो आपको जैसे बताया कि आपकी जब एप्लीकेशन आप कंप्लीट कर चुके हो तो आप यहाँ से
ये जो प्ले का साइन है इसको क्लिक करेंगे तो आपकी ऐप रन हो जाएगी। इसको इसका शॉर्टकट भी याद कर लीजिए, या आप मोस्टली यूज़ कर रहे होंगे तो इसका शॉर्टकट है Shift F10। अब हम इसको प्ले कर लेते हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप इसको किस एमुलेटर पे रन करना चाह रहे हैं, तो ये एमुलेटर तो अभी ऑफलाइन जा रहा है, तो आपका भी जो अवेलेबल एमुलेटर है वो है Nexus 5X, जो अभी हमने रन किया हुआ था, आप देख सकते हैं ये साइट पे। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन थी वो यहाँ पे एमुलेटर पे रन हो गई है, और उसके ऊपर हेलो वर्ल्ड जो आपने लेबल सेट किया था वो लिखा हुआ आ गया। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कैरी ऑन करेंगे अपने कोर्स की जो अगली आउटलाइन है उसको। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।